Hi students, hello everyone, welcome to Learning Commerce once again. In today's class, we are doing another chapter of debentures, that is redemption of debentures. जिसमें redemption of debentures कैसे की जाती है, साथ ही साथ उसके जुड़े हुए concepts, मतलब DRR क्या होता है, debenture redemption reserve, DRI, debenture redemption investment क्या होता है, और उसके जुड़े हुए numericals कैसे करते हैं, वो आज इस क्लास में करने जा रहे हैं. Hi everyone, welcome to Learn Commerce once again. Today we are discussing about the topic of redemption of debentures in the chapter accounting for debentures. हमने issue of debentures पिछली क्लास में ख़त्म किया था, अब यहाँ पढ़ रहे हैं redemption के बारे में. Redemption का मीनिंग क्या होता है, जब भी कंपनी debentures issue करती है तो कुछ साल के बाद, कुछ टाइम पीरियड के बाद, स्पेसिफाइड पीरियड के बाद उसको उसकी रीपेमेंट करनी है. 5 साल भी हो सकते हैं, 8 साल भी हो सकते हैं, 10 साल भी हो सकते हैं, 20 साल भी हो सकते हैं. तो redemption of debentures का मीनिंग है रीपेमेंट, रीपेमेंट ऑफ द ड्यू अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स टू द डिबेंचर होल्डर. जितना भी डिबेंचर होल्डर्स को देना है उनको एक टाइम पीरियड के बाद, स्पेसिफाइड पीरियड के बाद हमें उनकी वापसी करनी है. डिबेंचर जब हमें शेयर इशू करते थे तो उसमें कोई रिडेम्पशन का प्रोविजन नहीं होता, लेकिन डिबेंचर्स की रिडेम्पशन होती है क्योंकि इसको टाइम पीरियड के बाद, स्पेसिफाइड पीरियड के बाद आपको इसका वापस करना ही करना है. और डिबेंचर रिडेम्पशन पार पर भी हो सकती है और प्रीमियम पर भी हो सकती है, डिस्काउंट पर कभी रिडेम्पशन नहीं होती. ठीक है, रिडेम्पशन मतलब हुआ वापसी करना जो पैसा हमने डिबेंचर होल्डर से ले रखा है. रिडेम्पशन का टाइम पीरियड कैसे होता है, या तो इसको मैच्योरिटी पे कर सकते हैं या मैच्योरिटी से पहले भी कर सकते हैं. अगर इशू ऑफ टर्म्स में, टर्म्स ऑफ इशू में लिखा हुआ है कि डिबेंचर्स की मैच्योरिटी कब होनी है तो उसी डेट पर ही हम उसकी रिडेम्पशन कर देते हैं. तो व्हेन द रीपेमेंट इज मेड एट द डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ डिबेंचर्स, इसका मतलब है वो डेट तब होती है जो हमने इशू ऑफ डिबेंचर्स के टाइम पर ऑलरेडी डिटरमाइन कर रखी होती है. लेकिन कंपनी इस मैच्योरिटी डेट से पहले भी रिडेम्पशन कर सकती है अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आपको अलाउ करें और साथ में आपकी इशू टर्म्स के अंदर मेंशनड हो प्रोस्पेक्टस के अंदर. तो प्रोस्पेक्टस के अंदर अगर इशू के टर्म्स में लिखा हुआ है कि आप मैच्योरिटी से रिडीम कर सकते हो या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आपको अलाउ करे तो आप कंपनी ये डिबेंचर्स को रिडीम कर सकती है बिफोर मैच्योरिटी डेट आल्सो, अदरवाइज ये हमेशा मैच्योरिटी पर ही रिडीम होगी. टाइम ऑफ रिडेम्पशन के बाद आते हैं मेथड्स. दो मेथड्स हैं, या तो इसको लमसम में हम रिडीम करते हैं या ड्रॉ फ्लोट्स के थ्रू. लमसम मतलब है अगर कहा गया है कि 5 साल के लिए डिबेंचर इशू किए गए हैं और 5 साल बाद रिडीम करना है, यानी वो स्पेसिफाइड पीरियड के एक्सपायरी के बाद ही रिडेम्पशन होगी एक्चुअल एज पर द टर्म्स ऑफ इशू, तो उसको बोलते हैं रिडेम्पशन इन लमसम. लेकिन अगर कंपनी जितने भी डिबेंचर्स हैं उसको इंस्टॉलमेंट्स में, चाहे वो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हों या अलग अलग वेरिएबल इंस्टॉलमेंट्स के अंदर भी हर साल रिडीम करें. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1 लाख रुपए के डिबेंचर रिडीम करने के लिए हैं एंड दे आर रिडीम्ड आफ्टर फाइव ईयर रिडीम करेंगे तो बन जाएगा लमसम, एक साथ इकट्ठा रिडीम करना है. लेकिन अगर कंपनी कहती है कि हम फर्स्ट ईयर में 20,000 के डिबेंचर रिडीम करेंगे, सेकंड ईयर में 30,000 के डिबेंचर रिडीम करेंगे और फोर्थ ईयर में, हो सकता है थर्ड ईयर में ना करें तो फोर्थ ईयर में 50,000 रिडीम करेंगे, तो इस तरीके से 1 लाख के डिबेंचर्स अलग अलग अमाउंट के रिडीम कर दिए इन डिफरेंट ईयर्स. तो अगर एक प्रोपोर्शन या एक परसेंटेज या अमाउंट आर रिडीम्ड ईच ईयर, हर साल कुछ ना कुछ डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं, तो डिबेंचर्स फॉर विच रिपेमेंट इज टू मेड, तो उसको बोलते हैं ड्रॉ ऑफ लॉट्स. ड्रॉ ऑफ लॉट्स मेथड में यहाँ पर एक लॉटरी मेथड की तरफ, या जैसे मर्जी जिसको भी नंबर आ जाए उस हिसाब से इसकी रिडेम्पशन करते चले जाओ, हर साल कुछ ना कुछ रिडेम्पशन होती चली जाएगी. तो या तो लमसम के थ्रू या ड्रॉ ऑफ लॉट्स के थ्रू. अब सोर्सेज की बात करते हैं, पैसा आएगा कहाँ से डिबेंचर रिडेम्पशन के लिए. या तो कंपनी अपने नए शेयर इशू करे या नए डिबेंचर इशू करे, फ्रेश इशू ऑफ शेयर या फ्रेश इशू डिबेंचर्स. उसके अलावा अपने प्रॉफिट्स, जो कंपनी के पास प्रॉफिट्स पड़े होंगे, रिटेन अर्निंग्स पड़ी होंगी, उन प्रॉफिट्स में से रिडेम्पशन कर सकती है. अपने फिक्स एसेट्स को बेच के रिडेम्पशन कर सकती है. कंपनी अपने डिबेंचर्स वापस परचेज कर सकती है, जैसे शेयर्स बायबैक होते हैं तो डिबेंचर्स में बायबैक होती है कि मेथड का नाम है, जिसमें कंपनी अपने डिबेंचर्स वापस खरीद लेती है अपने सरप्लस फंड्स को यूज़ करके, तो वो एक मेथड है बाय ओपन मार्केट. तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू अपने डिबेंचर्स को वापस बायबैक कर लेती है, खरीद लेती है, या फिर कंपनी डिबेंचर्स को कन्वर्ट भी कर सकती है बाय कन्वर्जन. डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करके भी रिडेम्पशन की जा सकती है. तो कंपनी के रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का रास्ता हो गया, या तो अपने नए शेयर्स इशू करे, नए डिबेंचर इशू करे, या अपने प्रॉफिट्स को यूज़ कर ले, या फिर एसेट्स को बेच दे, या फिर कंपनी अपने डिबेंचर्स को परचेज कर ले वापस इन ओपन मार्केट, या इस डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर दे.
अब कंपनी को रिडेम्पशन करते हुए दो तरीकों का ध्यान रखना है, या तो रिडेम्पशन ऑफ टू कैपिटल या रिडेम्पशन ऑफ टू प्रॉफिट्स। अब रिडेम्पशन ऑफ टू कैपिटल ऑफ टू प्रॉफिट को समझने पहले एक टर्म यूज़ करते हैं पहले DRR। ये DRR या डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्या होता है? कंपनीज एक्ट में सेक्शन 71 में लिखा हुआ है कि हर कंपनी को अपने प्रॉफिट्स में से कुछ पैसा एक अलग से अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, विच इज़ नोन एज DRR, मतलब डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। रिडेम्पशन प्रोसेस शुरू होने से पहले इस पैसे को DRR में ट्रांसफ़र करने के बाद इस पैसे को DRR के अमाउंट को कहीं और यूज़ नहीं कर सकते फॉर एनी अदर पर्पज़ एक्सेप्ट रिडेम्पशन। कि कंपनी अगर रिडेम्पशन के दौरान अगर पैसा पेमेंट नहीं कर पाती है तो वो इस DRR को यूज़ करेगी रिडेम्पशन के लिए। तो सेक्शन 71 में ये लिखा है कि हर कंपनी को एक DRR अकाउंट क्रिएट करना है अपने प्रॉफिट्स में से, प्रॉफिट्स भी वो वाले जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल हैं, तो उस प्रॉफिट्स में से DRR में पैसा ट्रांसफ़र करना है और जो भी अमाउंट DRR में क्रिएट किया जाएगा वो किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट रिडेम्पशन। अब कितना ट्रांसफ़र करना है? एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट DRR अमाउंट इक्वल टू मिनिमम 25% ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। जितने भी डिबेंचर आउटस्टैंडिंग बचे हुए हैं उनका 25% मिनिमम 25% आपको ट्रांसफ़र करना है DRR। बट दिस अमाउंट कैन बी 100% ऑल्सो इफ द कंपनी वॉन्ट्स इट। लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनको एग्जम्पशन मिली हुई है कि DRR क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं जो RBI में रजिस्टर्ड हों, कुछ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो RBI द्वारा रेगुलेटेड हों, या बैंकिंग कंपनीज हैं, या ऑल इंडिया फाइनेंस कंपनीज के अलावा भी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो RBI में रजिस्टर्ड हों, या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं जो नेशनल हाउसिंग बैंक में रजिस्टर्ड हों। इन लोगों को DRR क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर्स के लिए भी, जिन लोगों ने अपने डिबेंचर्स को प्राइवेटली प्लेस किया है, वो लोगों को भी डिबेंचर्स में से अपने प्रॉफिट्स में से DRR क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज अपने टोटल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स का 25% DRR में ट्रांसफ़र करना कंपलसरी है, द अमाउंट विच कैन आल्सो गो अप टू 100%। अब मैं आपको जो DRR से पहले बता रहा था एक चीज़, कि अगर कंपनी अपनी रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल करती है तो कंपनी का मतलब यहाँ पर है कैपिटल यूज़ करेगी, मतलब अपने प्रॉफिट्स को यूज़ नहीं करेगी। कंपनी हैज़ नॉट यूज्ड इट रिजर्व्स और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, उसको बोलते हैं रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, जब प्रॉफिट्स को यूज़ नहीं कर रही। तो कंपनी जब इस मेथड को यूज़ करती है तो अपने प्रॉफिट में से DRR में कोई भी अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं करती। बट वैसे एज पर कंपनी 2013 में है कि हर कंपनी को 25% ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है अपने टोटल डिबेंचर्स का डिबेंचर रिडेम्पशन शुरू होने से पहले। लेकिन अगर कंपनी अपने रिडेम्पशन प्रॉफिट्स में से करती है तो वहाँ पर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हैज़ टू बी ट्रांसफर टू DRR, जो कि मैंने आपको बताया 25% से लेकर 100% तक हो सकता है, पर मिनिमम 25% DRR में ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में से रिडेम्पशन ऑफ का प्रोसेस शुरू होने से पहले। हाँ, रिडेम्पशन खत्म होने के बाद इस DRR के अमाउंट को, जिसको आप कहीं और यूज़ नहीं कर पा रहे, DRR का पैसा वापस जनरल में ट्रांसफ़र कर सकते हो अगर रिडेम्पशन का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। अब ये जितना भी, क्योंकि ये जो प्रॉफिट्स होता है ये आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ करते हो, तो अगर आप इसको यूज़ करते हो DRR में डालने के लिए, तो आपके लिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो प्रॉफिट्स होता है उसका अमाउंट रिड्यूस हो जाता है। तो ये हमारा हो गया रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल एंड आउट ऑफ प्रॉफिट। अब बात पकड़ते हैं DRI की, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब जैसे अपने टोटल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स का 25% आप ट्रांसफ़र करो DRR में, इसी तरीके से कंपनी के लिए ज़रूरी है, हर कंपनी के लिए, कि जितने भी डिबेंचर्स करंट ईयर में रिडीम करने हैं उसका 15% किसी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर दे। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ कौन सी होती हैं पहले ये देखते हैं। यानी कंपनी जो इन्वेस्ट कर सकती है, किसी भी शेड्यूल बैंक के अंदर डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट कर सकती है, किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर सकती है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंडर में अगर कुछ सिक्योरिटीज़ मैंशनड हैं तो उन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकती है, या किसी भी कंपनी द्वारा इशूड बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकती है। तो कंपनी के बॉन्ड्स इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंडर में कुछ सिक्योरिटीज़ हैं, स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हैं, या किसी शेड्यूल बैंक के अंदर डिपॉजिट्स हैं, इन में से किसी भी जगह पर कंपनी पैसा इन्वेस्ट कर सकती है। कितना? 15% मिनिमम 15% ऑफ द टोटल डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड इन करेंट ईयर। तो दोनों में डिफरेंस है, जितने टोटल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स थे उसका 25% आपको ट्रांसफ़र करना DRR के अंदर, लेकिन टोटल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स में से सिर्फ अगर कुछ ही हिस्सा आप रिडीम कर रहे हो करंट ईयर में, तो उस हिस्से का 15% आपको ट्रांसफ़र करना है।
तो ओनली डिबेंचर्स विच आर मैच्योरिंग इन करंट ईयर उसका 15% आपको निकाल कर इसका इन्वेस्ट करना है इन सिक्योरिटीज़ के अंदर, वो भी बिफोर 30th अप्रैल। बिफोर 30th अप्रैल अगर आपके डिबेंचर्स रिडेम्पशन 31 मार्च 2020 को होनी है, तो उससे पहले का जो 30 अप्रैल यानी 30 अप्रैल 2019 है, उस 30 अप्रैल 2019 से पहले पहले आप 15% इस डिबेंचर्स का इन्वेस्ट कर दो इनमें से किसी भी सिक्योरिटीज़ के अंदर। तो दो रूल्स हैं, 25% हैव टू बी ट्रांसफर्ड फॉर ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स टू द DRR एंड 15% ऑफ द डिबेंचर्स मैच्योरिंग इन करंट ईयर हैव टू बी इन्वेस्टेड इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़। अब इसको एंट्रीज कैसे करनी है इसको भी देखते हैं, पर इससे पहले कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर कंपनी, ये क्वेश्चन में मेंशन है कि रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स हो रही है, तब तो बात पक्की होगी कि आपको वैसे कहा जाए तो 100% तक ट्रांसफ़र किया जाता है, पर हर कंपनीज को 25% ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है DRR के अंदर में। और 25% ट्रांसफ़र होगा, DRR इज़ नॉट क्रिएटेड, जो डिबेंचर्स फुली कन्वर्टिबल हैं वो फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के केस में DRR क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ अगर वो पार्टली कन्वर्टिबल भी हैं तो जो कन्वर्टिबल पार्ट है उसको छोड़ के बाकी पार्ट का आप DRR क्रिएट कर सकते हैं। बाकी जो ऑल इंडिया फाइनेंस कंपनीज़ हैं या बैंकिंग कंपनीज़ हैं वो तो एग्जेम्प्टेड हैं DRR क्रिएट करने के लिए। अगर कंपनी डिबेंचर्स रिडीम करती है पार्ट्स में, हिस्सों में, इंस्टॉलमेंट्स में, तो जितना भी आप रिडीम करोगे उतने का प्रोपोर्शन आप वापस ट्रांसफ़र कर सकते हो जनरल रिजर्व के अंदर। मैं इसको एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो आप एक एंट्रीज की तरह देखो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कंपनी के पास टोटल 1 लाख के डिबेंचर्स हैं आउटस्टैंडिंग जो उसको रिडीम करने हैं ऑन 31 मार्च 2020, टू बी रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2020। तो इसका 25% ऑफ 1 लाख मतलब 25,000 रुपये आप DRR में ट्रांसफ़र करोगे। तो आप एंट्री करोगे 1 अप्रैल 2019 को, यानी कि एक साल पहले, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, कितना 25,000 रुपये आप यहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे। उसके बाद आपने इन्वेस्ट करना है 31 मार्च 2020 से पहले ही डेट आएगी 30 अप्रैल 19 की, तो आपने डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट टू बैंक यानी कि पैसे को इन्वेस्ट करना है कितना, ये तो आपने ट्रांसफ़र कर दिया DRR में। उसके बाद जितने डिबेंचर्स, फॉर एग्जांपल आप करेंट ईयर में, इन करेंट ईयर ओनली ₹60,000 डिबेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड, सिर्फ 60,000 के डिबेंचर्स ही रिडीम करने हैं, तो 60,000 का 15% 15% ऑफ 60,000 मीन्स 9,000 आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा या इन्वेस्ट करना पड़ेगा डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। तो आप यहाँ पर जो रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हो वो करेंगे 9,000। और फिर रिडेम्पशन की डेट पे यानी कि 31 मार्च 2020 को आप इस इन्वेस्टमेंट को रियलाइज़ कर दोगे और 9,000 रुपये वापस आ जाएंगे आपके पास, ये बेचना होगा, इन्वेस्टमेंट बेच देंगे। उसके बाद आपने ये सारी एंट्रीज 31 मार्च 2020 को होंगी, पहले आप डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर यानी ड्यू की एंट्री दिखानी है, अमाउंट ड्यू कितना देना है इनको, हमने 1,00,000 रुपये, लेकिन टोटल 1,00,000 में से इस साल कितने देना है 60,000, तो 60,000 रुपये आपने रिडीम करना है इस साल और वो इनके पेमेंट कर दो यहाँ पर डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक। तो पहली एंट्री होगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स, देन डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, ये आपकी होगी दोनों एंट्रीज रिडेम्पशन की। उसके बाद जितना पैसा आपने DRR में ट्रांसफ़र किया था वो सारा का सारा पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन अगर आपने सारे डिबेंचर्स रिडीम करती हैं तो, क्योंकि आपने 1,00,000 में से सिर्फ 60,000 ही आपने रिडीम किए हैं, तो जैसे 1,00,000 का 25% आपने DRR में ट्रांसफ़र किया था, तो 60,000 का 25% मीन्स 15,000 रुपये आप वापस जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर सकते हो, क्योंकि बाकी 10,000 तब ट्रांसफ़र होंगे जनरल रिजर्व में जब बचे हुए 40,000 रुपये आप रिडीम कर दोगे। तो ये प्रोसेस है, पहले आपको एक साल पहले रिडेम्पशन की डेट से एक साल पहले आपको DRR अकाउंट मेंटेन करना है, मिनिमम 25% ट्रांसफ़र करने हैं इन द DRR अकाउंट आउट ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स। देन आपको इन्वेस्ट करना है 30 अप्रैल 2019 से पहले या 30 अप्रैल 2019 को मिनिमम, उससे पहले कितना, जितने डिबेंचर रिडीम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल इस केस में 60,000 डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं, तो उसका 15% 9,000 रुपये हमने इन्वेस्ट किया स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ के अंदर डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट टू बैंक अकाउंट।
देन उसको बेचना है 31 मार्च 2020 को, रिडेम्पशन के डेट से पहले 31 मार्च 2020 को, बैंक अकाउंट डेबिट और डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। फिर आपने इनकी रिडेम्पशन करनी है, परसेंटेज डिबेंचर से अकाउंट डेबिट डिबेंचर होल्डर्स और डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, जितने रिडीम कर रहे हैं, यानी कि 60,000 इस केस में, और जितने रिडीम कर रहे हैं उसका 25% वापस रिलीज कर लो, DRR का पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, ताकि विच कैन बी यूज फॉर अदर पर्पजेज आल्सो, यानी 15,000। अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड के पास 2,000 डिबेंचर्स हैं, मीन्स आपके पास टोटल 2,00,000 रुपये के डिबेंचर हैं, 2,00,000 के डिबेंचर्स हैं, 9% डिबेंचर्स हैं जो कि आपने रिडीम करने हैं 31 मार्च 2019 को, ये रिडेम्पशन की डेट है आपकी। अब इनको रिडीम करना है 10% प्रीमियम पर। अब कंपनी के पास DRR में ऑलरेडी बैलेंस पड़ा हुआ है 30,000 रुपये, ये क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले जो हमने ट्रांसफ़र करना है DRR के अंदर वो कितना करना है, वो करना है 25% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स जो कंपनी के हैं, 2,00,000 का 25% बनता है 50,000। इसमें से ऑलरेडी जो बैलेंस कंपनी के पास पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है 30,000, यानी कि जो और एक्स्ट्रा बैलेंस और ट्रांसफ़र करना है DRR में वो बचता है आपका 20,000। तो 50,000 में 30,000 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो 20,000 आपको ट्रांसफ़र करना है इस DRR के अंदर। अब आपको इन्वेस्ट करना है इन DRI डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, वो कितना करना है, आपने अगर सारे डिबेंचर रिडीम कर रहे हो मीन्स 2,00,000 रुपये का 15% जो कि हो गया 30,000, ये आपने ट्रांसफ़र करना है या इन्वेस्ट करना है इन्वेस्टमेंट के अंदर, सिक्योरिटीज़ के अंदर। अब इसकी एंट्रीज पहले पकड़ते हैं। ट्रांसफ़र कितना करना है DRR में, 20,000। तो बैलेंस इन स्टेटमेंट, ये आपकी जो एंट्री रहेगी, डेट देख लो एक बार, 31 मार्च 2019 की डेट है, तो आपको इससे एक साल पहले यानी कि 1 अप्रैल 2018 को कह सकते हो, तो 1 अप्रैल 2018 को बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट कितना, 20,000 रुपये, क्योंकि 50 करने थे, 30 ऑलरेडी पड़े हुए थे, तो 20 आपने ट्रांसफ़र कर दिए DRR के अंदर। उसके बाद आपने 30 अप्रैल 2018 को डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हमने अमाउंट जो निकाला अभी 30,000 रुपये, 15% 2,00,000 रुपये का, वो ट्रांसफ़र कर दिया या इन्वेस्ट कर दिया स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ में, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट टू बैंक अकाउंट। अब इसको बेच दो, ये बेचना है आपको रिडेम्पशन के डेट पे 31 मार्च 2019 को, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट 30,000 रुपये। अब आपको ड्यू डेट पर रिडेम्पशन करनी है, रिडेम्पशन जो होनी 10% प्रीमियम पर होने हैं, टोटल 2,00,000 के डिबेंचर्स हैं, ये भी आप 31 मार्च 2019 को 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 2,00,000, 10% प्रीमियम है इसका, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 20,000, 2,00,000 का 10%, टू डिबेंचर होल्डर्स 2,20,000। अब इनके पेमेंट कर दो, डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक 2,20,000, तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स एंड देन डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक 2,20,000। अब आपने क्योंकि सारे ही जितने डिबेंचर्स थे सारे ही रिडीम कर दिए हैं, तो पूरा पूरा पैसा आप DRR का पैसा जनरल में ट्रांसफर कर सकते हो। अब आपके पास 2,00,000 में से 25% यानी 50,000 का DRR बनता, जिसमें 30,000 ऑलरेडी आपके पास पड़ा हुआ था, 20,000 रुपये हमने और ट्रांसफ़र किया था, टोटल 50,000 रुपये हम DRR का पैसा वापस जनरल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सो दैट इट कैन बी यूज फॉर अदर पर्पजेस। ये डेट भी आपकी 31 मार्च 2019 को है और ये डेट भी आपकी 31 मार्च 2019 को है, ये सारी 31 मार्च 2019 की डेट की लास्ट की एंट्रीज हो गई। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द रिडेम्पशन प्रोसेस, आई होप यू कुड हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। ये आप जो ये जो हमने किया है लम सम का किया है, लेकिन अब ये रिडेम्पशन इंस्टॉलमेंट्स में भी हो सकती है, जैसे क्वेश्चन में गिवन होगा कि जितने भी रिडेम्पशन आप हर साल करोगे उतना ही पैसा आप रिजर्व में प्रोपोर्शनेटली ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो वो क्वेश्चन आसानी से समझ आ सकता है। आई होप यू कुड हैव अंडरस्टूड इट एंड दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, एंड नाउ स्टे कनेक्टेड विद द लर्न इन कॉमर्स फॉर द नेक्स्ट वीडियोज एंड नेक्स्ट क्लासेज।